अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, टूथसम फूड्स में फिर से आप लोगों का खुश आमदीद। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। तो आज हम फिर से नई रेसिपी के साथ आपके साथ मौजूद हैं। फ्रेंच टोस्ट नाश्ते में सभी को तकरीबन पसंद है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसको बनाने का तरीका नहीं जानते, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उसको बहुत गलत तरीके से बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे बहुत ही अच्छे और मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट हम बना सकते हैं घर में। तो अब हम साथ साथ रेसिपी बना रहे हैं और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो डियर व्यूवर्स, 2 eggs हम ले रहे हैं, 3 tablespoons हमने शक्कर ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आप शुगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैं शक्कर यूज़ कर रही हूँ जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं। वैसे शक्कर सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आप लोग तो शुगर, वाइट शुगर से अगर अवॉइड ही करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वाइट शुगर को वाइट जहर भी कहा जाता है, तो इसीलिए वाइट पॉइजन कहा जाता है उसे। तो हम कोशिश करें कि आप वाइट चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा परहेज़ करें, जैसे कि सॉल्ट कम से कम यूज़ करें, चीनी कम से कम यूज़ करें। इसी में हमने ये फुल फैट्स मिल्क लिया है, फुल फैट्स मिल्क अब हम ऐड कर देंगे इसमें। ये हमने 1/2 cup लिया है। तो डियर व्यूअर्स, पैन हम ग्रीस कर रहे हैं, हल्का सा अपना नॉन स्टिक पैन हमने लिया है, उसको हम ग्रीसी कर लेंगे। एक हम स्लाइस लेंगे और उसको इसमें अच्छे से डिप कर देंगे। अगर आप फ्रेश ब्रेड लेंगे तो आपके फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे, लेकिन अगर आप रखी हुई ब्रेड या 1-2 दिन की रखी हुई ब्रेड के बनाएंगे तो उसके इतने अच्छे नहीं बनेंगे फ्रेंच टोस्ट। तो हम इसको इतना डिप करेंगे ताकि सारा बैटर जो है वो ब्रेड के अंदर तक लग जाए। अच्छे से डिप हो चुका है, अब हम इसको पैन में डाल देंगे। डियर व्यूअर्स, बहुत मज़े के, बहुत ही लाइट और बिल्कुल ऑयल नहीं है इसमें, बहुत ही ऑयल फ्री, मीठा भी बिल्कुल मुनासिब है। शुक्रिया डियर व्यूवर्स मेरी रेसिपी को देखने का, मेरी वीडियो को देखने का। अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।